गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, कैफुल हालुका, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे और हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड का इंतजार करते होंगे। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आपका प्यार तर आंखों पे, बिलीव करें ये जो मैसेज बॉक्स है ना, ये डेली भर जाता है आपके मैसेजेस से। आप लोग प्यार देते हैं जैजी को, कोहिनूर को, हमारे शो को, हमें बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे चैनल्स में कोहिनूर को ट्यून करना, खास तौर पे गुड मॉर्निंग कोहिनूर के लिए, ये आपका प्यार ही तो है। और ये प्यार एक ऐसा जज्बा है जो हम सबको आपस में कनेक्टेड रखता है, ठीक है ना। अब आप और मैं, हम सब एक फैमिली बन गए हैं क्योंकि हम लोग डेली मिलते हैं और डेली जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। कल मैं रात को एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य कि कल मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक लड़का, उसका मुंह ऐसे खुला रह गया और कह रहा है, क्या हुआ आपको, हम रोज देखते हैं आपको। यही तो बात है, यही तुम्हारा मेरा अपनापन है कि हालांकि मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, बट यू नो मी सो वेल। उसको मेरी हर बात पता थी, मैं क्या खाता हूँ, मेरे गेस्ट कौन से आते हैं, शो कब लगता है। यही है आपका और हमारा रिश्ता जो दिन ब दिन बहुत मजबूत हो रहा है। सो इस रिश्ते को मजबूत करने का पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ट्यून किया, हमें पसंद किया, हमें अच्छा लगा। आइए आज के बुके ऑफ गेस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। आज की जो मेरी पहली मेहमान है वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, अब क्या करें, जिस महफिल में जाती हैं उसकी जान बन जाती हैं, पहली बात। और हाल ही में हमने एक इवेंट किया, वहां जब ये आई तो सब नजरें इनकी जानिब थी। ये कौन लड़की है जैजी, ये कहाँ होती है, क्या काम कर रही है, ये सवाल मुझे मिलने को, मतलब मैंने सबके जवाब दिए कि शी इज अ ब्रांड एंट्री इन द फील्ड ऑफ शोबिज। एक बहुत जबरदस्त मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे और काम कर रही हैं और लाइफ में बहुत सारे गोल्स को अचीव करना चाहती हैं। और अगर मैं इनको एक मशवरा दूं तो इनको बहुत जल्दी कोई मेगा सीरियल ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज शी इज अ फेस जिसको कॉन्कर करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज शी इज हियर टू रूल। सो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस एंड अमेजिंग ब्यूटीफुल रायना खान। आज जैजी के शो में आई हैं और बहुत बहुत अच्छी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना ये ख्याल है कि आपको फॉरेन ड्रामे ज्वाइन कर लेने चाहिए एज ए लीड एक्ट्रेस। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं। या प्लीज कर लो, दिस इज हाई टाइम, इंशाल्लाह आपको एक मेजर सीरियल करना चाहिए। अब ठीक है ना, जरूर, अब बस आपने कह दिया, अब आपने कहा ठीक है। लेकिन आप वाकई ऐसा फेस है रायना जो के ना, जिसके नक्श वगैरह में क्या समझाऊं, लेकिन वो बने ही टीवी के लिए। ऐसे ये बहुत से लोग मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आप मॉडलिंग तो कर ही रही हो पर साथ साथ आप एक्टिंग भी करो, आपका एक्सेंट, आपका फेस, द गाइस वाचिंग ऑन टीवी विल सी एंड एग्री विद मी कि जब आप बोलती हैं तो भी एक्सेंट वगैरह टिपिकल हीरोइंस वाला है। सो फिल्म टीवी आपका मुंतजर है, साइन करो अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट, चली जाओ। हाँ, कोई अच्छा सा आएगा। हाँ, ये बात है ना, अच्छा होना चाहिए। कैसा लगा जैजी के शो में आके, सालों के बाद आपको दो तीन साल में मिल रहे हैं, हम काफी अच्छा लग रहा है टीवी पे। सो लाइफ कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बहुत अचीवमेंट्स की हैं। हाँ, मतलब एज कम्पेयर टू यस्टरडेज, आज की रायना और प्यारी और कॉन्फिडेंट है। बहुत सारी गेम्स भी हैं, बहुत सारा फन भी है, तड़का भी है, म्यूजिक भी है, ठीक है। सो वेलकम ऑन द शो। तो जनाब ये है द ब्यूटीफुल रायना खान जो आज गुड मॉर्निंग कोहिनूर में जैजी और आपकी मेहमान है, ठीक है। और अब मिलते हैं एक ब्रांड न्यू सिंगर और साथ में एक जबरदस्त मॉडल है। ये मॉडल है, पता आपको, ये मॉडलिंग भी करते हैं, लेकिन अब इन्होंने फैसला किया है कि मॉडल तो मैं कब बन चुका हूँ, क्यों ना मैं सिंगिंग भी स्टार्ट कर दूं। और लकीली इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, बहुत दिल से गाते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में कुछ गाया तो मैंने सुना, मैंने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, जस्ट कम ऑन माय शो। मैंने इनको इनवाइट किया और अरसलान मलिक एक ऐसा लड़का है जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, परसोना भी आला है, एंड ही इज ऑल्सो सेट टू कॉन्कर द एरिना ऑफ शोबिज़। तो आइए वेलकम करें अरसलान मलिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? तो ये मॉडलिंग करते करते सिंगिंग, या ये ख्याल क्यों आया एकदम से? मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी थी। मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड फैमिलीज कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ट्राई करो, आप फिजिकली तो आप अच्छे दिखते ही हो, आपकी आवाज़ तो आप अच्छे दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक फ़ायदा होता है मॉडल को गाने का, मॉडल की ड्रेसिंग बहुत आला होती है। अब आप देख लें, ब्लैक इज इन द हेयर और आप देख लें आला रेड, और क्या कॉम्बो किया आप लोगों ने, सो अमेजिंग। सो कैसे लग रहा है आज रायना के सामने बैठना? बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज फिर तैयार है, बहुत सारी गेम्स होंगी आपके आमने सामने। आई एम रेडी।
रेडी हैं आप? आला क्या बात है। तो इसमें आप आज का हम सॉन्ग ऑफ द डे प्ले करेंगे। एक गाना है एलिजाबेथ और मलकू का, नया गाना है, वेडिंग सॉन्ग है, मलकू फीचरिंग एलिजाबेथ या एलिजाबेथ फीचरिंग मलकू, एक ही बात है। सो आइए देखते हैं, गाना बड़ा मजे का है, शादी के शो सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। द वेडिंग सॉन्ग बहुत आला है, वैसे भी सीजन चल रहा है शादियों का, वापस आएंगे तो करेंगे स्टार्ट सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। अगर हम वापस, और गाना बहुत मजे का था, हमने शो का स्टार्ट ले लिया है और गाना था बहुत धांसु किस्म का, है ना, द वेडिंग सॉन्ग एलिजाबेथ फीचरिंग मलकू और मलकू फीचरिंग एलिजाबेथ, क्या बात है, दोनों साइड एक ही होती है। एनीवे जनाब, अब हमें एक सुपरस्टार सेंसेशन ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप टिकटॉक देखते हैं और टिकटॉक के दीवाने हैं और फॉर यू पे आपके बहुत सारे आपके जो फेवरेट टिकटॉकर्स आते हैं, तो आप जैसे ही कैमरा जाएगा इन पे आप इनको फौरन गेस कर लेंगे। और अगला पूरा 2 घंटे आप कहीं जाने वाले नहीं है, बिकॉज वो यहीं रहेंगे हमारे पास। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इनसे और कमाल फन है भाई, मूछों की क्या बात है, छाई मूछें आजकल की हर जगह पर बातें होती हैं उसकी, और बहुत अच्छी बनाते टिकटॉक वीडियोस, गाने, थीम्स सब मजे के होते हैं। सो जनाब, आप सबकी कहते हैं शान मान सब कुछ, टिकटॉक्स में लीडिंग टिकटॉक सेंसेशन द हार्ट थ्रॉब फॉर यू गर्ल्स आ चुके हैं एंड ही इज राइट हियर एंड स्टेइंग विद अस फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। लेट्स इनवाइट द वन एंड ओनली सैम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम अबाउट, कैसे लग रहे हैं आपको आज शो में आके? बहुत अच्छा। लास्ट टाइम लेकिन शॉर्ट टाइम था हमारे पास, आज हम आपको पूरा टाइम देंगे। टिकटॉक की जब होती है तो उनके फोन बहुत बजते हैं, क्या करें, ये हो रहा है ऐसे। हाँ वो तो होंगे, लेकिन मुझे बताओ कैसी लाइफ जा रही है? बहुत अच्छी, अमेजिंग। देखिए ये बताओ, रात क्या है, आप मरी भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हर वक्त फॉर यू पे होते हैं? बस बेसिकली ये आपका प्यार है। नहीं बिलीव करें, आपकी नजरों में बिलीव करें गाइस, कि मैं जब फॉर यू लगा, मतलब जब मैं देखता हूँ फॉर यू, तो ये होते हैं उस पर, हर थर्ड वीडियो में ये होता है और मुझे को ताव दे रहा होता है, क्या बात है। सो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आप टिकटॉक के साथ? बहुत। चलें, वेलकम ऑन द शो, और आज बहुत सारी गेम्स आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, डन हो गया। तो जनाब ये है हमारा पहले बुक ऑफ गेस्ट और फिलहाल चलेंगे टूवर्ड्स रायना। रायना बताइए आपकी मेरी कहानी मेरी जुबानी कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ? बट मतलब आपके हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कैसी थी आप, बबली थी या बहुत फिर गुमसुम बहुत थी? ज्यादा मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत ज्यादा गोल में टोल जैसी होती है, अभी तो खैर बहुत स्लिम हूं, तब बहुत थी। और मॉडलिंग का तो बचपन से ही बहुत शौक था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो एक फ्रेंड थी, मॉडल थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको शौक है तो आप कर सकती हो। फिर मैंने पोर्टफोलियो बनवाया, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया शूट। आपका पहला मेंटोर कौन बना इस मॉडलिंग की फील्ड में, पहला शूट किसने किया था? पहला नहीं याद। नहीं याद? अच्छा, और ये बात किस साल की है? ये जब मैं 2017-16 पहले तो बस दिल किया तो कर लिया, वरना नहीं। पहले मैं इतनी वो सीरियस नहीं थी। और मेरे जासूस ने बताया कि खावर भाई ने कहा है इनको कि तुम मॉडलिंग नहीं एक्टिंग करो, है ना? सही कहा उन्होंने, बिल्कुल मैंने कहा आपको आता ही बात ऐसा है, ये फेस ऐसा है ना सैम, ये एक्टिंग करनी चाहिए इनको, किसी मेगा सीरियल में आओ, कोई अच्छा आएगा तो दे। लेकिन आज तो हम बनवाएंगे आपके टिकटॉक सैम के साथ, डोंट यू वरी, वहां भी आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, आला। अच्छा आप बताओ मुझे अरसलान, क्या है आपकी कहानी? मेरी कहानी ये है कि वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन आर्ट्स की तरफ चूंकि मेरा तो जान बचपन से ही था, तो स्कूल में ही अपने फन फेयर्स पे परफॉर्म करना और इस तरह से, ठीक है। और फिर लेटर ऑन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं पढ़ाई पे फोकस करो, वाह। सो आई डन माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने फिर आर्ट्स की तरफ दोबारा से स्टार्ट किया और एक्टिंग और सॉरी एक्टिंग ऑन टिकटॉक और सिंगिंग कर रहे हैं आप? यप, थोड़ी हल्का फुल्का करते हैं। और फिर सिंगिंग स्टार्ट की और अभी रिसेंटली सिंगिंग सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि सीखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही, मतलब उस्ताद के बिना गाना तो ऐसे ही जैसे बहुत मुश्किल है, क्या बताऊँ मैं, क्या मिसाल दूँ अब, जैसे दूध बगैर मलाई के। बिल्कुल आप सही बात है, यहाँ पर सालन बगैर गोल बोटी के आप लोग, मैं गलत तो नहीं कहता वैसे इस बात पर। अब आपका जो गाना आया है पहला, वो क्या है?
वो एक्चुअली वैसे तो एक कवर सॉन्ग है इब्राज लग साहब का, लेकिन उन्होंने एक फोक स्टाइल में किया था, हमने इसको जरा मॉडर्न टच में इसको किया। नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो आज यहाँ गाएंगे आप? जब शो इंशाल्लाह। और अभी हाल में मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, एक लड़की से बल्कि, तो मैंने पूछा क्या कहती, मैं बहुत टिकटॉक बनाती हूँ, आप मेरी वीडियो फॉर यू पे आई है, कितने फॉलोअर्स हैं? 91। आई एम सो हैप्पी। लोग तो ऐसे भी हैं वैसे टाइम, लोगों की खुशी का आप लेवल देखें कि वो इस पर भी खुश हैं कि उनके 100 हो गए, और कई लोग ऐसे हैं जिनके 40,000 हो गए आगे नहीं बढ़ रहे लेकिन बढ़ेंगे, मैं पूरी उम्मीद पे इस पर काम। ये हैप्पीनेस की बात है ना, कुछ लोग थोड़े में भी खुश रहते हैं, कुछ ज्यादा में भी खुश नहीं होते। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो आइए चलते हैं टुवर्ड्स सैम। सैम बताएं अपनी कहानी, कैसे आप आए टिकटॉक की, और कैसा बचपन था, उससे स्टार्ट करते हैं आज। बचपन तो बहुत अमेजिंग था, हंसते खेलते गुजरता रहा। तो खैर जब कहते हैं टिकटॉक स्टार्ट किया, मेरे साथ भाई थे मेरे हमजा इब्राहिम, या ऑलरेडी आप जानते भी उन्हें, तो उनके साथ जब स्टार्ट किया तो मैंने टिकटॉक हमारी फर्स्ट एक वीडियो वायरल हुई, तो वो ब्लूपर था। मुझे स्टार्ट से ही, स्टार्ट दिन से ही उन्होंने एक ही काम रखा था, मुझे तंग करते थे भाई मेरे, तो वो एक ब्लूपर था, वो वायरल हुआ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वीडियोज होती गई, तो अब रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जो मेरी मिस नो फॉर में मैंने बनाई। या एग्जैक्टली वो क्या था उसमें कहते हैं 6 मिलियन व्यूज हैं। वो क्या हुआ उसमें, क्या उसमें क्या था? स्नोफॉल थी। अकेले थे आप? अकेले। अकेले में कैसे वायरल हो गई? ये बात बहुत जानना जरूरी है कि नॉर्मली तो कपल्स होते हैं या फिर उसमें क्या था ऐसा? स्नोफॉल थी और एक्टिंग थी। हाँ अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कि जो आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था ना, सैम ने दिया था शुरू में, याद होगा आपको 3-4 महीने पहले की बात है, कि आप बहुत क्लोज लाते थे वीडियोस को, वो अब बहुत लोग कॉपी कर चुके हैं। नोट किया नहीं बात, लड़कियां भी लड़के भी यहाँ रखते हैं अपने फोन को और बहुत क्लोज और हाई फाई फिल्टर लगा के, उसमें चेहरे पे एक दाना भी नहीं होता, फोन दूर ही होता है, उसको जूम कर लेते हैं। ओ हाँ, फोन दूर और जूम कर लेते हैं उसको, और ऐसी वीडियो बनाते हैं। मैं कहता सारा आपने स्टार्ट किया था, मुझे याद है उस वक्त। हाँ आप कोई भी नहीं करता था ऐसे उस वक्त। सो आपकी अब तक कितनी वीडियोज आ चुकी है? 600। Oh my God. और कितने अरसे में आई हैं ये? मैक्सिमम इसको 1 year हो गए, लेकिन प्रॉपर मुझे स्टार्ट किए 6 months हो गए। अच्छा हाँ, देखो अभी तुम्हारी 1 million, मैं कह रहा हूँ अभी आपकी 1 million होने जा रहा है, करीबन करीबन है, लेकिन यू आर पॉपुलर मोर देन अदर गाय जिनकी 4-4 million भी हो चुके हैं। ये आपके पास बताना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको कि ऐसा भी हुआ है कि अभी 1 million होने लगी है इनके, लेकिन अभी इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि कई लोगों से जो कि उनसे कई ज्यादा है उनसे ज्यादा पॉपुलर है आप। हाँ सही बात है। तो फिर आप फॉर यू पे आपका एल्गोरिथम आपको नीचे दे आता है, आपकी वीडियोस फॉर यू पे नहीं, बल्कि अभी तो आपकी आपकी बर्थडे भी आने वाली है। देखिए मेरे होमवर्क पूरे होते हैं ना, आई लाइक इट। हमारे जेजी सब जानता है कहीं से क्या छुपा है, इनकी वो कब है वो तो बहुत जरूरी है ये। एनीवेज जनाब अच्छी बात है, डन हो गया। अच्छा मुझे आप बताए रायना कि अब जितनी मॉडलिंग की है, किस कैमरामैन ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे पे? सबसे पहले तो कावर भाई ने, वो बेस्ट मैजिशियन है, अजीम, उसके बाद माजिद तकी, ओह यस, इन लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया मुझे। हाँ, और कौन से डिजाइनर के कपड़े आपने बेस्ट कैरी किए? मैं ड्रेसेस तो बहुत अच्छे कैरी करती हूं। हां मुझे आईडिया है बिल्कुल। ठीक है, और डिजाइनर्स के ही यू नो वो थोड़े हैवी होते हैं, तो फिर वो कैरी करने पड़ते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, तो वो मैं मैनेज कर लेती हूं। तो आज तक कोई आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? किसने दिया मतलब बेस्ट क्या था, कोई खास होता है? कुछ लोग कहते हैं बहुत ही कोई ऐसा देते हैं, तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छी लगती है, दिल को भा जाती है। डेली होती है, डेली होती है, ओ माय गॉड। और लड़के भी बहुत आई एम श्योर फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम और आई लाइक इट, मैसेजेस भी करते हैं बहुत ज्यादा, पर मैं चेक नहीं करती। एग्जैक्टली ये जरूरी है, बहुत ज्यादा। और आपको करती है लड़कियां बहुत मैसेजेस भरे होंगे आई एम श्योर, ये ट्रेंड है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली हाँ, वो आता है 999+, आगे कुछ होता नहीं उसके आगे। तो कैसे आप लोग हैंडल करते हैं सारे इस फेम को, मतलब लोग खफा नहीं होते होंगे आपसे, इनको रिप्लाई नहीं करते हैं? बिल्कुल, वो कहते हैं कि आप में शायद एटीट्यूड है, पर ऐसे कुछ नहीं, हम लोग बिजी होते हैं, रखना पड़ता है एटीट्यूड, है ना, जहाँ हुस्न होता है वहाँ नज़ाकत तो फिर आ ही जाती है। ऐसा ही है, कमेंट्स में आके बोल देते हैं अकड़ू एटीट्यूड है, ईगो है इसमें, ये रिप्लाई नहीं करते, तो इस तरह को तो जनाब वाकई ये सीन ऐसा ही कुछ है कि ईगो एटीट्यूड, लेकिन ये सब करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप इस तरह हर एक के देंगे जवाब तो फिर लोग तो पागल हो जाएंगे। होना चाहिए, है ना, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल खास बन जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे मुझे बताएं आप लोग कि हाउ वाज लास्ट ईयर फॉर यू ऑल, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, 2020 कैसे एनालाइज करोगे आप? बहुत ज्यादा बुरा रहा है। क्यों?
क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई। ओ अच्छा, एक ऐसा पिलर गया घर से जो आपका नींव थी। मिस करती तो डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा। आपकी आंखें एकदम नम हो जाती है ना, मुझे पता है ये ऐसा होता है, रिश्ता ऐसा ही है। मैंने भी डैड को खोया था तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 4 साल। जो माँ बाप का रिश्ता है वो ऐसा है कि रिप्लेसमेंट नहीं इसके हो सकता। Exactly. और कोई भी रिश्ता वो चीज नहीं कर सकता पूरी, उनकी कमी बिल्कुल कोई कोई भी नहीं कर सकता। पता है आपको ऐसे मौकों पर जब आपको चाहिए ना कि गाइडेंस चाहिए होती है, ऐसे ही है कि मैं फैसला करने वाला हूँ अब मैं किसके पास जाऊँ, आप कहते हो यार मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा होता है। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। एंड आपके लिए साल कैसा रहा? कोविड के लिए तो कहते हैं काफी बुरा रहा, लेकिन लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन कहता बहुत अच्छा रहा, बहुत बेनिफिट्स मुझे हुए। तो वहाँ से फिर कहता स्टार्ट मेरा, मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था टिकटॉक। Exactly. और स्टार्ट करते ही दोबारा वो, मतलब कि पहले मैंने बंद कर दिया था, लेकिन जब अगेन मैंने स्टार्ट किया तो उसमें रेटिंग अच्छी मिली, उसके अच्छे व्यूज मिले और लॉकडाउन में ही मेरी वीडियो सारी वायरल। जबरदस्त। क्या लगता है आपको क्या वजह थी कि लोगों ने पसंद किया आपको वीडियोस को? फ्री थे लोग इसलिए देखते थे। फिर भी बहुत से लोग पोस्ट करते हैं, उनकी तो व्यूज नहीं आते। लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टच दिया था मिरर में, क्लोजअप में। हाँ, इसको लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं बिल्कुल सही। और मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया, बाकी आप तो दूर चले गए हैं उससे। ठीक है, आप करें वो भी। हाँ, साथ हमें पसंद था आपका वो स्टाइल, सीरियसली। और आप बताइए, हाउ वाज ईयर? एवरेज था, उसमें काफी सेल्फ डेवलपमेंट का मौका मिला और कुछ स्किल्स है जिनको शार्पन करने का मौका मिला। जैसे कि सिंगिंग को सीखने का मौका कोरोना टाइम्स में मिला। Exactly. तो ये कि उसको, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइम तो बुरा था, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज अच्छे तरह से कर लिया। अच्छा, आपकी चॉइसेस कौन है सिंगर्स में? आतिफ असलम। लड़कियों में? लड़कियों में मोमिना है, नादिया गा रही। नादिया इतना अच्छा गा रही है, क्या हो गया आपको? बिल्कुल अच्छा गा रही है वो, लेकिन उनको हम सबसे एंड पे, लास्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो सबसे अलग है ना। Nice. तो इसलिए उसको मैं उस कैटेगरी में नहीं फॉल नहीं भी कर रही, लेकिन वो सबसे डिफरेंट हैं और उनको हम किसी के साथ कंपेयर मैं नहीं असल में करना चाह रहा। ठीक हो गया, चलिए मेरे ख्याल ये मौका है कि अब हम कुछ म्यूजिक स्टार्ट कर लेते हैं और गाना आपका अब आ जाना चाहिए। अब चाय रखें साइड पे और आ जाइए मैदान में। लेट्स प्ले द म्यूजिक ऑफ अरसलान मलिक। आज पहली बार वो किसी भी शो में गाना गाने जा रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज हिस्ट्री नाउ क्रिएटिंग अप, कि आज पहली बार अरसलान जो है, और जज कौन होंगे? आप दोनों, आप दोनों को मार्क्स देंगे 10 में से, कैसा गाया लड़के ने, है ना? अरसलान फिर आ जाओ सामने। आ गए वापस, और क्या गाना था भाई? अच्छा गाते हो, आपको अच्छा लाइव गा लोगे? यप, आई लाइक इट, द कॉन्फिडेंस। कैसा गाना लगा? मार्क्स दें 10 में से आप। 10। नाइस, रियली? ओह माय गॉड, आप क्यों इतना प्यार? बहुत अच्छी आवाज थी और जिस तरह से गाया, आई लाइक इट टू। मैं तो उसे 9/10, कि एक ऐसा गुंजाइश होती है ना। हाँ, वो अच्छा करने की, और नेक्स्ट टाइम के लिए। Exactly. और जनाब, अब वक्त आ गया है कुछ गेम्स स्टार्ट करने का। लेट्स स्टार्ट इट, रेडी आप? यस। 2 का 5 और 5 का 2, इसमें क्या होगा? आपको हम 5 ऑप्शन देंगे मुख्तलिफ सेट्स की, आपने से 2 चूज करने हैं, और क्यों चूज किए बताना है हमें आपने। सो पहला स्टार्ट करेंगे हम, आपकी पहली 5 ऑप्शन जरा गौर से सुनिएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे। मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई और नींद। दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग नई नई गेम में आए, अब गौर से सुन लें, 2 चूज कर लें अपने आप। मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई और नींद, आप बताएं पहले। चाय। चाय, रियली? यप। इतनी पसंद है चाय आपको? बहुत। फॉर मी ब्लैक कॉफी इज द लीडर, आला। और वाईफाई। ओह यस, जरूरी है। सोचे वाईफाई का बंद होना एक अजाब होता है। आप बताइए। नेमत है। वाईफाई और नींद। वाईफाई और नींद, अक्सर हम लोग ये चूज करते हैं, यही था ना, वाईफाई और नींद जो पूरी नहीं होती है, कहते हैं आजकल नींद बाकी पूरी नहीं होती, बहुत चीजें चल रही हैं। ठीक है, डन हो गया। अगला सेट रेडी है आप लोग? जनाब, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली जफर, सजाद अली और साहिर अली बग्गा। आतिफ असलम, अली जफर, राहत फतेह अली खान, सजाद अली और साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा। और नंबर टू? नंबर टू राहत फतेह अली खान। चले, नंबर 1 राहत फतेह अली खान और 2 साहिर अली बग्गा।
ओह माय गॉड, बग्गा जी बहुत मुबारक हो आपको कि आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आप आतिफ असलम से ज्यादा लगा। ओके, डन हो गया, डन हो गया। आगे चलेंगे, लेट्स सी इस पे क्या आता है आपका। बारिश, सर्दी, बहार, प्यार और पैसा। आई रिपीट, बारिश, सर्दी, बहार, प्यार और पैसा। आप बताएं पहले। बारिश, ये तो मेरे फेवरेट। लव सर्दी, आला। आप बताइए। बारिश, बहार। अच्छा, यू लाइक स्प्रिंग। जल्दी जैसे बहारा भी आ रहा है, पता ना आपको, और हम उसके लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं आजकल, डोंट यू वरी अबाउट इट। और आप बताइए। बारिश और प्यार। प्यार के लिए बने लगता है आप, प्यार के लिए बने यार। नाइस, ठीक हो गया। हुमैरा चन्ना, हुमैरा चन्ना, हुमैरा अरशद। यहाँ पे वेरी नाइस बनता था। हुमैरा चन्ना, हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज, आयमा बेग और मोमिना मुस्तहसन। अब आपसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी नहीं। क्यों, एक तो होना चाहिए ना। रियली? और आप ऑप्शन क्या थे? देखिए, हुमैरा चन्ना, हुमैरा अरशद, फरीहा, आयमा बेग, मोमिना मुस्तहसन। आयमा बेग। आयमा बेग, एक बस चूज किया आपने। ओके, नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है। अब बड़ा मजेदार आ चुका है। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। अब आप बताएंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। टिकटॉक और टिकटॉक तो लाजमी होगा। दूसरा इंस्टाग्राम। हाँ, वो भी अगर लव जा रहा है ना। और आज की लास्ट सेट हमारा कौन सा आया है वो देख लेते हैं। ये खाने के बारे में है। गोलगप्पे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट। चार है बस। फ्रूट चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले। क्या बात है यार, बता डिफरेंट बता रहा है। ये बहुत आला बात की आप लोगों ने। नाइस नाइस, क्या बात है जनाब। देखा आपने कि हमारे जो सेलिब्रिटीज ने अपनी अपनी चॉइसेस बताई बड़े असुकून के साथ के ये हमारी चॉइसेस हैं। और इसके बाद एक और गेम स्टार्ट करते हैं, वो है मुहावरा टाइम। लेट्स गो टू मुहावरा टाइम। और इस बार मुहावरे बड़े मजे के मैं ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक्टिंग की टीम ए, आप दोनों हैं, आप दोनों ने एक्टिंग करनी है। आप तो है ही, मतलब बनी एक्टिंग के लिए और आप बने प्यार के लिए। आप टीम बी है, आप टीम ए है। स्टार्ट करें फिर। वो ए में अकेला अकेला है, मैं हेल्प करूंगा उनकी। बोला नहीं मुझे आपने, एक्टिंग आप करेंगे। ओह माय गॉड, एक्टिंग कीजिएगा। नहीं बोलना मुझे कुछ नहीं है आपने। माइक को रखते साइड पे और थोड़ी सी एक्टिंग कर लें। इस जानवर के बारे में एक जानवर के बारे दोबारा से कीजिएगा। चेक करो ना क्या हो सकता है। एक्टिंग करने एक्टिंग ऐसे तो आप 10 दफा करवाएंगे, आपको नहीं आएगी समझ। मछली को जितना मर्जी पकड़ो हाथ से निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे मासूम सजन, ऐसा नहीं होता। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या हो गया आपको, ये देखिए। एक अनार सो बीमार। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये बाप लोगों का। आप करें, आप करें, नहीं नहीं, ये आप कर लें। जरा इधर मैस्कुलिन ओरिएंटेड लग रहा है मुहावरा। ये और लगेगा मैं कह रही हूं। हां, बहुत चैटिंग किया। कोई हेल्प मुझे। ओह यार, नाइस, आसान था लेकिन उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। आसमान से गिरा, वाह वाह वाह, ये आसान हो गया। और एक आपको आसान देते हैं। दोबारा से करें।
आसान क्या हो गया आपको? अंधा का चाहे दो आंखें। ओ या क्या बात है, ठीक है ये आसान दे दी मैंने आपको। ओ या आसान दिया ना, ये आसान था आपके लिए भी आसान है, अब तो आप कर सकते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि रायना जब एक्टिंग कैसे करती हैं। नहीं तो सारे उन्होंने खुद किए हैं। नहीं भाई एक्टिंग स्टार्ट करूंगी तो ये थोड़ी ना होगा। नहीं तो आज से स्टार्ट करें ना आप। जैसी के शोज आप कर ले, लास्ट है। नहीं आप कर, लास्ट है, इजी है, कर ले। पांच उंगलियां बराबर नहीं। ओ वाह क्या एक्टिंग किया आपने, आला था। ये नहीं होता, चलिए जाने दे इस बात को। बहुत मजा आया मुहावरों का, आला मुहावरे थे। और फिलहाल एक साउंड ब्रेक लेते हैं, माइक पड़ा हुआ सामने, कुछ लाइव सुना दो हमें। क्या सुनाओगे? कोई पाकिस्तानी गाना होना चाहिए। आतिफ असलम का वो लम्हे। चले सुनाइए। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी यादें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। बस शॉर्ट और स्वीट, आला। अच्छी कोशिश थी, और रियाज कीजिए, मजा आएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं गेम, और आप देंगे मशवरे मुफ्त। लेकिन गेम का रूल क्या है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपने, प्लीज। यू हैव टू गिव ठक 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 आंसर्स। आपसे स्टार्ट करते हैं, मीरा जी। मीरा जी हंसी काफी आपकी इस पे। रीमा जी, उनको तो मशवरा देने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं भी शायद गॉर्जियस। जन्नत मिर्जा। नहीं देखें, टिकटॉक सेंसेशन जो गर्ल्स हैं उनके खिलाफ भी बात है। खिलाफ नहीं, कोई मशवरा दे दे उनको। उनको यही है कि कुछ भी नहीं, कुछ काम करें। ड्रामा में है वो भी, आई थिंक। ड्रामा में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यही जवाब था आपका, सुपर से बहुत सुपर जवाब था ये। आज चलते हैं आगे तरफ। सना जावेद, अच्छी एक्ट्रेस है, मशवरा को नहीं देंगे आप? ओके, इन लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, फहद मुस्तफा। शोचा करें, कुछ ड्रामा में दोबारा से कमबैक करें। कमबैक करें, ओके। अफान मलिक, नाइस पर्सनालिटी, कुछ बचपन देना आप उनको। ओके, जरूरत नहीं होने। नसीबुलाल, प्लीज गाने गाना पीएसएल के लिए बंद कर दे। अपने स्टाइल में ही रहें, लेकिन उस स्टाइल से बाहर ना आए, है ना? मुझे लगता नहीं, है। नहीं, बाहर आए नहीं, अब जब बाहर आएंगे तो क्या बना अंजाम, देख ही लिया। क्रॉड नचेगा तो ओए होएगा। बिल्कुल चेंज करना चाहिए सब चीज। चले सही है। आयमा बेग, आयमा बेग उस वो ही तो पीएसएल एंथम है, उनको भी चेंज करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, आपने आपका मशवरा लेते हैं उसमें। विनाहिल मलिक, यही तो बता था जैजी के शो की। अच्छा ये सारे आपके पास टिकटॉकर्स ही आएंगे? तो टिकटॉकर्स आएंगे, विनाहिल मलिक कौन है? कौन है? ओह माय गॉड, आपके जवाब आज बहुत तीखे और मजेदार लग रहे हैं मुझे। चलते हैं आगे। अली जफर। अली जफर हैंडसम, क्या बात है। और एडवाइस तो कुछ नहीं है, एडवाइस दे दीजिए नहीं, आपको नोट किया आपको। नहीं अच्छी है उनकी वॉइस, ठीक है, एडवाइस की जरूरत नहीं। ओके, उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन पैच अप कर लें दोबारा, फिर आंसर पैच अप है, फिर वो क्या, वो सब झूठ था, वो कुछ भी नहीं था। पैच अप कब का हो गया, बचपन की बात है, कुंभ का मेला खत्म भी हो गया आपको। कमल आफ्ताब, अच्छा मशवरा कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं उनको। जुल्कर नैन, कोई आइडिया नहीं है मुझे टिकटॉकर्स का। नहीं पता था आपको, दैट मींस कि वो हिट है। हाँ. अगर आपको आइडिया नहीं था लेकिन नाम पता नहीं, था मुझे कुछ टिकटॉकर्स का, ये टॉप नॉचेस है ना तो पता ही होगा नाम, बिल्कुल सही है। साइमा जी, साइमा जी मुझे उनको पता नहीं जी। नाइस, और अब लास्ट कुछ नाम है। सबा कमर, सबा कमर के लिए
गर्ल्स को मतलब लेडीज को नहीं मैं मशवरे देता हूँ। क्या बात है मायरा खान। मायरा खान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनको मूवी करनी चाहिए। हाँ, और ड्रामे भी करनी चाहिए ताकि मेरा वैसे अपना ख्याल रहा है ना कि जो तमाम लड़कियां हैं इन सब को जो फिल्मों में गई थी माया अली बिल्कुल इनको ड्रामे भी करने चाहिए। दे आर जस्ट मिसिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। पर ये है ना कि इनको मूवी मिलती है वो कर लेते हैं। इनको शायद लगता है कि हम सिर्फ फिल्म ही कर सकते हैं उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनाब अब वक्त आ गया है अपुन की चॉइस का मामला है और अब आपकी चॉइस लेंगे हम क्योंकि आप जाने वाले हैं विदा के पहले। थोड़ा बताइए हमें क्या प्ले करें हम आपके लिए। आपका ऐसा फेवरेट गाना जब सुना हो हाल ही में एंड यू लव्ड इट। खूबी अली का एक गाना है उदास। क्यों उदास? खूबी अली बिल्कुल सज्जाद अली साहब के बेटे हैं। सज्जाद अली के बेटे हैं। खूबी अली आ चुके हैं मार्केट में और छा गए हैं और गाना भी बहुत आला है ना। उदास क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आइए ये नया गाना देखते हैं खूबी अली का। वापस आएंगे तो फिर प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के और बहुत सारी बातें करते हैं। वापस आइए। गाना वाकई मजे का था। गुड चॉइस अरसलान, गुड चॉइस। क्या प्लान्स हैं अब आपके 21 को लेकर? म्यूजिक ही है। म्यूजिक को इंशाल्लाह आगे परस्यू करूंगा और अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और एल्बम लानी है? इंशाल्लाह। इट्स ग्रेट। मुझे बताओ अगर मैं बात पूछता हूँ कि आपके कोई फैंस बहुत मिलते होंगे आपको, मोस्ट इंटरेस्टिंग या क्रेजी फैन कब मिला? कौन था वो या कौन थी वो? थी वो। थी कौन थी? कहाँ मिली थी? मरी में। मरी में मिल गई? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, लाइक मेरे साथ बैठे थे उस वक्त। मैं कॉफी पी रहा था। मैं कॉफी पी रहा था हमारी माल पे था तो लाइक वो घुस के तो फिर वापस आ गई। तो उन्होंने आके डायरेक्टली कहते मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे तो एकदम शॉक्ड होके ना वो ना मेरा फ्रेंड मुझे बहुत तंग करता उस पे। हाँ। वो नकल उतारता था उसकी लड़की आई आके ना कहती मैं नकल उतार के दिखाता हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे हैं और वो एक्टिंग तो करनी वो तो साथ साथ ही है। ये तो साथ है सोशल मीडिया ये कौन सा कहता मतलब आपके साथ साथ चलने इसमें। बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए आपके जो फैंस मिलते होंगे आपको तो कहाँ कैसे कब मिले? कोई क्रेजी फैन है? बहुत से होते हैं, जहाँ भी शो हो वहाँ भी फैंस आ जाते हैं। हाँ नहीं तो फिर कैसे हैंडल करती हैं क्रेजी फैंस को? कुछ नहीं वो सेल्फीज का कहते हैं फिर मैं मना नहीं करती फिर करनी पड़ती है। क्या प्लान्स हैं आपके नए साल को लेकर? बहुत सारे हैं पर बताऊंगी नहीं। क्यों? एक ड्रामा का प्लान तो आपका होगा। हाँ, वो इंशाल्लाह कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो इंशाल्लाह करेंगे। तो बदस्त हो गया। तो मुझे बताओ सैम के आपके फेवरेट टिकटॉकर्स पांच। मेरे फेवरेट जो टिकटॉकर्स हैं मेल ही हैं, फीमेल कोई नहीं है। फीमेल मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है। मियां सनी नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे शापे। ओह नाइस। और थर्ड पे कहते हैं मेरे अपने ही मतलब के भाई है हमजा। कर तो रहा है इधर कम करता है काम करते हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ बनाते हैं वो सारे आपके बिल्कुल। ठीक हो गया। और मतलब आपको लगता है कि टिकटॉक जो है वो एक अच्छी फेम दे रहा है हमारे जो तमाम आप जैसे टिकटॉकर्स और भी हैं उनको एक अच्छी फेम मिल रही है? बिल्कुल अच्छी। अभी हुआ ये है वैसे अरसलान और रायना कि टिकटॉकर्स ने जो फेम ली है ना इससे जो हमारे बाकी आर्टिस्ट हैं वो कुछ खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत मेहनत कर रहे हैं साल साल की मेहनत है और इन लोगों ने कल के आए बच्चों ने वैसे ऑब्वियसली वो यही कहते हैं सोचते हैं कि मतलब कि हमने इतना टाइम लगा दिया इतना फेम कमाने में और ये मतलब कि दो चार माह पांच माह में एग्जैक्टली इतने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे इतनी फैन फॉलोइंग हर जगह और इतने फैंस बन गए एकदम से बन जाते हैं फॉलोअर्स मिलियंस में आ जाते हैं। आई थिंक ये टेंपरेरी थिंग है लेकिन एक टेंपरेरी है मेबी सोच लो मेबी उस तरह से होता है। मैंने अक्सर इस तरह की मैंने लाइक 15 सेकंड की वीडियो और एक लंबी ड्यूरेशन की वो एक बात मैंने देखी है सैम की जैसे आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं लेकिन अक्सरियत नहीं बोल पाती है ना ये होता है वो गेम सारी लिप सिंक की है ना
तो वो तो अब हमें बोलना है, उसमें अपनी एक्टिंग करनी होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आज जरा अपने गेस्ट से जानते हैं उनके हॉबीज के बारे में, कि सर्दियों को वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं और कौन कौन से हॉबीज को ऑप्ट किए हुए हैं। तो लेट्स आस्क अरसलान यू, क्या क्या हॉबीज चल रही हैं आजकल? क्रिकेट, म्यूजिक और चाय। चाय आप बहुत लगता है शौक से पीते हैं, आपको बहुत शौक है इसका। खाते क्या होते हैं सर्दियों में? सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स वैसे तो सर्दियों में होते हैं, लेकिन खा मैं सब सारी चीज़ें खा लेता हूँ, लेकिन अच्छे दाल से, मतलब कम, ठीक क्वांटिटी में कम खाता सब सब कुछ। और आप सर्दियों में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं खाने की? खासकर खाने की कॉफ़ी और कढ़ाई। और आप? मैं तो सर्दियों में, आर यू डाइट कॉन्शियस? नो, बिल्कुल नहीं है। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ देन? बिकॉज़ अक्सर हमारे जो लोग हैं अब हूं, वो पूछते हैं, है ना, कि हां पहले नहीं थी, ये फेस एंगल, ये कंट्रोल, इसके लिए तो करना पड़ता है बहुत सी अपनी जो फेवरेट चीजें वो छोड़नी पड़ती हैं, और अब कर रही हूं। और क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, बहुत कम नहीं, बिल्कुल ही छोड़नी पड़ती है आपको। एग्जैक्टली, फास्ट फूड आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ता है, प्रॉपर जिम को टाइम देना पड़ता है, मतलब आप नहीं, मतलब अगर आप शूट पे भी है ना तो आपको जिम तो जाना ही है, नहीं गई तो यू नो सब खा लेते हो, क्वांटिटी जो मर्जी हो। और आप? सब कुछ जो सामने आए, डन हो गया। और इस बात पे हम विदा करेंगे अरसलान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का। और ये पहला घंटा कहाँ गया मुझे समझ नहीं आई कुछ, क्योंकि ये टाइम बाकी उड़ गया, लेकिन बहुत अच्छा गाना गाया आपने अपना, आपके लिए ऑल द बेस्ट, गाते रहिए ऐसे ही। और कोई पैगाम दीजिए इतने नए फैंस के लिए जो आप बने होंगे आ जाए, बहुत श्योर बहुत सारे पैगाम ये कि अच्छा म्यूजिक सुने, और जैसे कि कोरोना भी गुजरा है तो उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, अभी अभी उस फेज से बाहर नहीं आ पा रहे वाकई, तो उनको यही एडवाइस करूँगा कि वो इस फेज से बाहर आएँ और उसको भूल जाएँ जो अब हो गया है, SOPs को फॉलो करें और फिर लाइफ कंटिन्यू करें आगे। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाज़रीन यहाँ पर हम पहला चंक साइन आउट करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है शो का, बिकॉज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ रायना खान, सैम शेख और अरसलान हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन एंड अवर सोशल हैंडल्स DREJAZWARIS, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आ जाया करें। एंड डोंट फॉरगेट अ व्हाट्सएप नंबर, जो आपका नंबर है मुझ तक पहुँचने के लिए, राइट? सो फिलहाल जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो मैं एक और टिकटॉकर ज्वाइन करेंगे, राइट? जो कि छाए हुए हैं अपने खास अंदाज में, वो अंदाज क्या है जानते हैं ब्रेक के बाद। And we are back. Good morning, Kohinoor का अगला session start करने की आपसे चाहते हैं इजाजत। और जनाब हमारे तमाम social handles active हैं, Instagram, Facebook, we are also live on Facebook, you know that, and we have Twitter, TikTok, जहाँ जहाँ मैं हूँ आइए join कीजिए DREJAZWARIS, and don't forget our WhatsApp number जो हर पल आपके talent का इंतजार कर रहा होता है। फिलहाल बॉयज एंड गर्ल्स हमें ज्वाइन किया है एक और टिकटॉक सेंसेशन ने, हमने कहा कि आज जरा उनको भी बुलाते हैं, और बड़े छाए हमें वो भी एकदम, उनके भी 1 मिलियन बस हुआ ही चाहते हैं, है ना। अब मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ फॉर श्योर, क्योंकि वो बहुत आला काम कर रहे हैं और बहुत आला टिकटॉक बनाते हैं, रायना जी बिल्कुल। तो लेट्स वेलकम द वेरी हॉट एंड हैपनिंग शाफे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सो कैसा लग रहा है सक्सेस पाना टिकटॉक के थ्रू? सही है, अच्छा है, अच्छा है। फेम तंग तो नहीं कर रही? और लड़कियां? नहीं बस ठीक है, चल रहा है काम जबरदस्त है। सो कैसा, तो मुझे बताएं अपने बारे में, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि कैसे टिकटॉक पे आए, सब कैसे शुरू हुआ? पहले मैं भी गालियां देता था, सही बताऊं, लोग कहते हैं कि क्या है ये, क्या करते हैं। बाद में मैंने एक वीडियो बनाई अपनी वॉइस में, ऐसे फ्रेंड्स के साथ हम मजाक कर रहे थे, तो मजाक मजाक में वो मेरी वीडियो बहुत हिट हो गई। मैं अभी कोई ना लेक्चर दे रहा था, मतलब अबाउट लाइफ, क्या कहते बताओ, जैसे कि वो चीजें जो हम सबको पता होती हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है कि किसी दूसरे के मुंह से सुने। ओह यस, जैसे कि रिश्ते कमजोर कैसे होते हैं, ट्रस्ट जब नहीं रहता,
जब दूरियां आ जाती हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं, ये सबको बात पता है। हाँ। लेकिन वही यही बात जब मैंने वहाँ की तो सबको बहुत पसंद थी, हजारों में अब वो हिट हुए, तो पता क्या हुआ कि लोगों को दिल को बात लगी बजा के, है ना। फिर उसके बाद यूं ही मैं वीडियोस बनाता रहा। कब की बात है, पहली वीडियो आई जब आपकी? कोई 8-9 मंथ्स या 1 ईयर पहले होगी, कोरोना दौर में। हां, कोरोना से पहले पहले। अच्छा ठीक है। फिर तो उसके बाद फिर मैं इसी पे बनाता रहा, उसके अलावा मैं फिटनेस की टिप्स वगैरह। हां वो तो नजर आ रहा है। तो मैंने कंपटीशन उसके बाद कम्पीट किया, वो मैं विन किया। उसके बाद फिर लोग पूछना शुरू हो गए कि आप हमें टिप्स दें, तो मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई और जो कि आपको बताती थी कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, इनटेक आउटटेक सब कुछ, बस यही था। बाकी आदम आपसे बहुत सारे टिप्स भी लेंगे फिटनेस के बारे में, जरूरी है ना। ये जो वेस्ट आपकी लाइन में बहुत कम लग रही है, तो मतलब कि आप बहुत मेंटेन करते हैं फिटनेस को। मेरा एक्चुअली कंपटीशन है फेब के एंड में। हाँ, होने वाला है। डाइट पे हूं, तो वेस्ट मेरी 30 है आजकल। सही सही सही। So how do you, देखिए मुकाबला, जब मुकाबला होने जा रहा है, क्या खा रहे हो, थोड़ा बताओ अपनी रूटीन के बारे में। मेरी रूटीन आजकल क्या नाश्ते हो रहे हैं, क्या खाने हो रहे हैं, ना जाना बहुत जरूरी है। अम्मा जी बहुत नाराज है मुझसे। क्यों? वो कहती है कि, वो पंजाबी में कहती है कि तू मसला पाया है अपनी जान में। मतलब कि खाओ पियो सब कुछ खाओ, मेरी डाइट क्या है, मैं सुबह 7 o'clock जिम जाता हूँ, दिन में 2 times जा रहा हूँ आज। ओके, उसके बाद मैंने आना है 6 egg ओट्स, ये खाऊंगा, ये एक हुआ मेरा। उसके बाद 2 hours के बाद मैंने 100 ग्राम राइस एंड 180 ग्राम चिकन, वो खाना है। उसके बाद 100 ग्राम पोटैटोज खाने हैं, मतलब ये टाइम है 1 hour या 2 hours का। उसके बाद फिर मैंने बीफ खाना है, फिर रात को फिश खानी है, और सारा दिन यही खाना है, नो सॉल्ट नो शुगर। हाँ, शुगर भी नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है। तो हाउ यू आर लिविंग? बस गुजारा कर रहे हैं ना। चीनी और नमक के बगैर आप सोचिए क्या लाइफ होगी, दोनों के अंदर चिकनापन है। वो चिकनाहट अगर ना हो लाइफ में तो क्या जिंदगी होगी। वो बहुत इरिटेट रहते हैं, आपका टेंपरामेंट शॉर्ट हो जाता है, मतलब कोई आप कोई थोड़ी सी भी बात करेगा तो आपका दिल करेगा यार मैं इसके एक लगा दूं, ये बात क्या कर। लेकिन फिर आपको हेल्थ खराब तो नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि आप प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में जा रहे हो ना, आप कोई अपने तजर्बे नहीं लगा रहे, कैसे नहीं होता। आपने जब डाइट ओपन भी करनी है तो आपको पता है लाइक व्हाट यू हैव टू ईट, आपने क्या खाना है और किस तरह खाना है। यहाँ लोग होते हैं डाइट ओपन करके मीठा खा लेते हैं, फिर तबीयत खराब करके बैठ जाते हैं। असूल ये है कि जब आप डाइट ओपन करो तो उसके बाद आप बॉइल्ड चीजें लो, वेजिटेबल्स लो, ज्यादा जूस पियो। Exactly. क्योंकि लास्ट डेज में आपने पानी भी बंद कर दिया होता है, कैप के अंदर पी रहे होते हो, बिल्कुल जी, ताकि आपका जो मुंह है वो ड्राई ना। कंपटीशन है ये, सही कह रहे हैं। तो बस ऐसे है। ठीक 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 ठीक, यानी कि आप बहुत सारे। अच्छा देखिए, मुझे ये होता है कि जो लोग कम्पीट करते हैं और फिर वो नहीं विन करते, दुख होता होगा उनको, बहुत दुख होता है। कितनी मेहनत की, 3-4 महीने कुछ खाया पिया नहीं, वो 4 months की होती है ये बोली। हाँ जी, इसमें होता है कि 2 months आपने गेन करना होता है और 2 months आपने लीन करना होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। दुख तो ऑब्वियसली, आप कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो बाद में आप नहीं विन करते तो दुख तो होगा आपको, मेहनत की है आपने, लेकिन फिर होता है चलो अब नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा बन के आऊं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही है, बिल्कुल सही है जनाब, क्या बात है। देखा आपने, फिटनेस तो फिर ऐसी ही होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब बारी आ गई है आप उनकी चॉइस का मामला है, एक और गाना, और गाना होगा आपकी चॉइस का। बताइए गाना कौन सा चूज किया अब आपने? गाना कल ही एक मेरे फ्रेंड का रिलीज हुआ, आला वही सुनते हैं। उमेर चौधरी का गाना आया है, जिसमें उमेर चौधरी मॉडलिंग कर रहे हैं, साथ में है अरूज फातिमा। बिल्कुल, सो लेट्स सी द सॉन्ग जिसमें फीचर हुए हैं उमेर और अरूज। गाना है यादा, और आपकी तिला के लिए अगले हफ्ते हमारे शो में कौन आ रहा है जानते हैं, उमेर और अरूज फातिमा। ओह माय गॉड, क्या बात है। और जनाब वो भी आने वाले हैं, तो उससे पहले हम गाना चला देते हैं उनका आज। लेट्स सी गाना कैसा है, गाना मजे का है वैसे, काफी सीनरीज हैं, लोकेल्स हैं। लेट्स सी यादा। और यादा वाज अमेजिंग एज यूजुअल। आप क्या सोच रही हैं, आप कहीं खो जाती हैं देखा एकदम से कि बहर में। वो बहर में कौन है, कहाँ है, कब आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, फोकस है वर्क पे। हाँ ये भी सही कह रही हैं आप। और अब स्टार्ट करते हैं, नाना करते हैं हाँ तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे, इनसे स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? Let's have it. आपके हाथ में 2 sticks हैं, yes और no की। आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, आपने उनके जवाब देने हैं, देख के कैमरे में दिखानी है स्टिक कि आपका जवाब क्या है। ठीक है? Are you in love? Yes बोल रहा हूँ यार मैं। नहीं। ठीक है, okay. सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? प्यार आजकल तो हो जाता है, obviously attachments होती है। तो दिखा देंगे।
आला क्या बात है. Have you ever danced in rain? Ah, nice. Do you love chicken kadahi? सही है. आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं? No, nice. Do you love eating half fried eggs? Okay, thank you. This is interesting. Fine, अब आप क्या जानते हैं? Are you in love? No. Okay. अच्छी बात है, काम पे फोकस करो. ऐसे ही अगर मैं लव पे करूंगी तो फिर काम तो फिर हो गया. Are you bathroom singer? मतलब वहां पे ठीक है. ओके. आर यू सिनेमा लवर? यस यस यू आर. दैट्स ग्रेट. डू यू लाइ समटाइम्स? यस समटाइम्स. ओके. आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? अच्छा, आपको समझ नहीं आया क्या हो सकता है इसका? हाँ, क्योंकि जब आपको आइडिया नहीं फील्ड होती है तो उसमें आपके फ्रेंड्स भी होते हैं और ये दुश्मन भी होते हैं, तो वो फ्रेंड्स के ही उसमें होते हैं. ओके, ठीक है. मतलब फेक जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? यस यस यू डू. आगे देखिएगा. आर यू इन लव? आवाज से बताया दो, अभी तक लव यार नहीं हूँ. अच्छा है, काम पे फोकस करो सारे. ओके. You love eating cheese omelets? Cheese omelet. No, okay. Do you love traveling? Yes, you do. Last गए थे आप दुनिया जहां ने देखा वो travel सफर. ठीक हो गया. आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? Why? I don't know. ऐसा भी होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता. आपने साफ कहा ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. I know that. हाँ, सही. ठीक हो गया. Rahat sings better than Atif. Rahat. Do you believe in love at few sights? Yeah, love at first sight nahi, few sights ho gaya naya mantra aajkal. And have you ever danced in rain? Okay, thank you. Hamare dega side se. Kya baat hai hamare stars ki jo ki sach sach bolte hain, hai na? Hai na? Actually na. Maza aaya aapko. Jaiye kuch ab baithe hain Shafe to kuch fitness tips dete hain. बताइए कुछ वेट लॉस के बारे में. बताओ कैसे वेट लॉस किया जाए, और अगर टाइम हो एक दो महीने का तो उसमें कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपर ये नहीं पता होता, हम किसी भी बंदे से जाके पूछ रहे होते हैं कि यार वेट कम करना है कैसे करना है. वो बताते हैं जी ये सिरप है, आपने ये पीना है. कुछ लोग फैट बर्नर यूज कर लेते हैं. मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों के लिए फैट बर्नर बिल्कुल नहीं अच्छा, वो बाद में उनके स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं जो कि नहीं जाते. लड़कों के लिए भी नहीं ठीक, फैट बर्नर नहीं, बेस्ट ही नहीं है. सबसे बेस्ट क्या है, आप प्रॉपर डाइट से अपना वेट लूज करो. लेकिन रिजल्ट जल्दी नहीं आते फिर? नहीं, 2 months में आ जाते हैं. हाँ. मैं अपना बताऊं तो मैंने 8 days में 10 kg कम किया. रियली? जी. वो कैसे किया था? मैंने डाइट से. मेरा अभी आप 10 दिन तक देखना मेरा मुंह अंदर चले जाएगा सर. आप देखोगे पहले इनको, पहले क्या हालात थे? पहले तो गिरते हैं. तो वो बस अभी डाइट है. इसके सबसे पहले ये है कि आप जंक फूड अवॉइड करें, ड्रिंक जो होती है, और इसके अलावा कुछ लोग जो ड्रिंक करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो वाटर कंज्यूम कर लेती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी जिस्म के अंदर पानी आ जाता है. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त खाने भी नहीं चाहिए. नहीं नहीं, ऐसा चिकन मीट नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं आप. लेकिन तरीका है ना खाने का. वो कहते हैं ना कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लें तो आपके लिए नुकसान है, चाहे पानी ज्यादा पी लो पेट फूल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब तरीके से जो भी करेंगे आप उसका कोई नुकसान नहीं. मीट खाएं, बिल्कुल खाएं, वो नहीं खाएंगे तो हम गुजारा कैसे करेंगे? वो बिल्कुल नहीं है, वो मिसकंसेप्शन है. बस जिसे नहीं पता उसने बता दिया कि ये ऐसे नहीं करना, आपने ये करना. बाकी प्रॉपर डाइट होती है, और डाइट प्लान हम किसी को भी ऐसे नहीं दे देते. जिसे डाइट प्लान चाहिए उसका वेट, हाइट और उसकी एज पता होनी चाहिए. उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि इसकी बॉडी को वेट बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, और वेट कम करने की कितनी कैलोरी चाहिए, और जो उसको आपको बैलेंस करना और जो उसकी बॉडी की अभी सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए, तो ये बाद में देखा जाता है, इससे पहले नहीं आप बता सकते. और अगर मुझे बताओ कि ऐसी कोई डाइट जो कि वेट ना बढ़ाती हो पर हम उसे खा सकें अबंडेंटली. वेट ना बढ़ाती हो लेकिन हम उसे खा सकें, मतलब भूख लग रही है ना हमें, हमें वेट नहीं बढ़ाना लेकिन पेट भरना है, कुछ पेट भरना, कोई लो कैलोरी डाइट बता दो. सबसे पहले ये है कि आपका जो फर्स्ट मील होगा
अच्छा एक चीज मैं बता दूं, लोग ये समझते हैं कि हम डाइट पे हैं ना तो हमने खाना कम कर देना, ये नहीं बल्कि डाइट में ज्यादा खाना पड़ता है लेकिन चीजें चेंज हो जाती है। ओके। मतलब सबसे पहला बिल ये है कि आप अगर आपने सिर्फ बॉडी को अपने मेंटेन रखना है 3 eggs white साथ ओट्स लो, उससे आप एक आपका मील कम्प्लीट हो जाएगा नाश्ते में। उसके बाद ब्राउन ब्रेड के साथ आप कुछ भी अपने लिए कुछ लाइट मतलब चिकन बॉयल चिकन ले सकते हैं, बॉयल चिकन अंदर आप ऑलिव ऑयल डालेंगे, कुछ 2-3 चीज़ें अपनी मर्जी की ऐड कर लें लेकिन ज़्यादा केचप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करनी। तो इस टाइप का मील जो है वो परफेक्ट रहता है आपकी बॉडी के लिए, बाकी जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी और सिचुएशन को देख के बताई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा आपने कभी सॉन्ग्स पे किया एक्टिंग टिकटॉक पे? हाँ किया है। बस फिर ठीक है। नाज़रीन आप जानते हैं ना कि हमारा सेगमेंट होता है जहाँ जब टिकटॉकर्स आते हैं तो हम एक सेगमेंट करते हैं, हम एक गाना प्ले करते हैं और वो एक्टिंग करते हैं। आला ये तो आप जानते ही नहीं है अभी कि वो सेगमेंट नया आया, बड़ा हिट जा रहा है आजकल। तो हम 2 गाने प्ले करेंगे बारी बारी और आप दोनों ने एक्टिंग करनी है ना। टिकटॉकर्स हैं भाई हमारे टॉप नॉच, तो पहले आपकी बारी आएगी और हम करेंगे गाना प्ले, आपको बताया जाएगा कि कौन सा गाना है और आपने एक्टिंग करनी है। ठीक है तो जनाब अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों को देते हैं एक ही गाना जो कि आजकल बहुत हिट जा रहा है और हमारे शो के तो जान बना हुआ गाना वो मेरे ख्वाबां दी तू रानी क्या गाना है वो है ना। तो फिलहाल पहले आप आ रहे हैं तो लेट्स सी, अब आप देखें कैमरे की तरफ और हम आपको कैमरे फोकस करेंगे। अब आप पे आते हैं ठीक है। आला आला क्या बात है। देखिए ये है हमारे टिकटॉक सेंसेशंस की गाना हम प्ले करते हैं बगैर बताए हुए, आप लोगों ने क्या एक्टिंग किया उस पर, बहुत आला। और हमें बताया गया कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं शाफे है ना। और ये टिप्स भी ना बहुत अच्छी देते हैं, प्यार ना करना, फिर ओ नाइस। अच्छा कितनी आपकी जीएफ्स वगैरह? मेरे डू यू बिलीव इन जीएफ्स? हाँ ऑब्वियसली अब है, मैं अब क्यों कहूँ कि नहीं है, मैं इतना अब सीधा भी नहीं बनूंगा कि मेरा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली मेरे थे 2 रिलेशन थे लेकिन उसके बाद तौबा कर ली मैंने, नहीं यार बहुत जलालत है ये नहीं करना वैसे। आजकल आप सिंगल हैं? हाँ। ओके ग्रेट। और मैंने बॉडी बिल्डिंग भी पहले ब्रेकअप के बाद स्टार्ट की। हाँ आपने पैशन से उसको। आप यकीन करें मेरा 4 बजे सुबह की ब्रेकअप हुआ था, 7 बजे मैं जिम था, मैंने कहा आज बस ऐसा बनना है, ये मेरे पीछे वापिस आया। और यकीन करें यूनिवर्सिटी में रुलती रही है मेरे पीछे, मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें अब। बहुत आला ये होता है प्यार रायना, वेरी नाइस। तो बताइए फिर अब गाना कौन सुना रहे हो? गाना आलमगीर का है देखा ना था। हाँ आई लव इट, सुनाइए। तो मैं वो चलो देखा ना था कभी हमने ये समा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम हो वो वो वाह। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ छोड़ चले, राह हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, जब से मिला मुझे प्यार तेरा, चेहरा हसीन लगे बार बार तेरा, ओ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े इंतजार यार तेरा। ऐसा ना था ये भी देखा ना था। बहुत आला बहुत आला, ये बल्कि ज्यादा अच्छा गा रहे हैं। मैं कहने लगा ये मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया है। अभी आपसे और भी लाइव सुनूंगा मैं गाने, डोंट वरी। और फिलहाल पहले की मजाक करें, आपको एक गेम और होनी चाहिए ठीक है, वो है रैपिड फायर राउंड। और वो गेम बड़ी मजेदार है, आपसे हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, आपने उसके जवाब देने हैं फॉरन फॉरन। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे आप? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ओके। हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो एंड व्हाई? फेवरेट हॉलीवुड में हाँ, कुछ सुपर हीरो जैसे होते कैरेक्टर, सुपरमैन
स्पाइडरमैन हमारा भी इसमें सुपर हीरो ही आया है यार हॉलीवुड में ही है बताइए मैंने कहा शायद शान कह देगा अक्सर लोग मैंने कह जाते हैं आप बताइए सुपरमैन लेकिन उसका नाम वो मेरा मोस्ट फेवरेट है चलिए आइए सुपरमैन ठीक है अच्छा हु डू यू एडमायर द मोस्ट लाइक एनीथिंग एज इन पर्सन कोई भी कोई सेलिब्रिटी अली जफर ओके या मल्टीटास्किंग है कोई ऐसी ऐसा टैलेंट नहीं है जो उसके पास नहीं है और जो भी है परफेक्ट हां एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव सही कह रहे हैं आप इफ अ फिल्म वाज मेड ऑन योर लाइफ तो क्या नाम रखती आप मेरी कहानी मेरी सवाल ये भी ठीक है बहुत आला इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर होता है मैंगो टैंगो If you could go anywhere in the world right now, कहाँ जाना चाहोगे? मैं लंदन जाना चाहूँगा। लंदन जाना चाहेंगे। Your favorite hobby? सोना। Okay, okay. One thing जो कि आपको बहुत annoy कर जाती है, annoys you the most? Calls आना बार-बार। Calls बार-बार आती हैं। लोग तंग करते हैं ना? ठीक हो गया। Strangest thing you have ever eaten? कुछ भी नहीं है ठीक हो गया Describe yourself in 3 words. Yeah. My producer साहब कह रहे हैं cute, loving, caring. Oh my God, producer साहब आ गए आप. Super से बहुत super है. Cute, loving, caring. हाँ ये ठीक है. अब star क्या है वैसे? Gemini. हाँ मेरा मैं ठीक है ये. हाँ ये ठीक है. ठीक है. If you could talk in your sleep, क्या बात करते हैं? Abusing. Oh my God! Very good. Your favorite movie quote? Movie? कब कोई भी line याद हो आपको? नहीं याद? Okay. If you could get anything for yourself right now, क्या हासिल करना चाहेंगे आप? क्या हासिल करना चाहेंगे? कुछ भी. अब तो वो है ही नहीं और विश नहीं है कोई तो नहीं. हाँ. मैं विश याद और मायरा खान. दोनों ही नहीं. क्या हो गया आपको आखिर? ऐसा क्या हुआ था उस शाम? ओके अच्छा ठीक है. वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? कि मेरा बैंक अकाउंट कभी खाली ना हो. हाँ वाकई बहुत हमें शानदार बात. मैं क्योंकि मैं अगर लड़ रहा हूँ घर में लड़ रहा हूँगा तो मेरी अम्मा को पता चल जाता है कि इसके पैसे खत्म हो. हाँ पैसा वाकई क्योंकि अभी हमारा सेगमेंट अगला ऐसी बातों पे आ रहा है लेकिन बाद में बात करते हैं इस बारे में. यू विल गेट टू टॉक ऑन दिस डोंट वरी. सेगमेंट अभी और भी आने वाला है. अच्छा जी इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट क्या बात करना चाहोगे? क्या बात करना चाहोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं. क्यों? मैं पीएम किससे बना? अच्छा ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 हाउ कूल आर यू? 9 10 10. ओह फुल मार्क्स. नाइस गाइस अच्छा किया आप लोगों ने. और साथ ही सेगमेंट और ऑन हो गया है दिल की बात दिल के साथ. आपको हम देते हैं 30 सेकंड्स और आपने एक टॉपिक पे बोलना होता है और बाय द चांस जो टॉपिक आज का था वो था पैसा बड़ा या प्यार. आप तीनों ने बारे में बोलना है इसके ऊपर. स्टार्ट किससे करें? आपसे कर लेते हैं. चलें इनसे स्टार्ट करते हैं फिर आप पे आएंगे या फिर आप पे आएंगे ठीक है. सो पैसा बड़ा या प्यार ऑडियंस आप डिसाइड करें. बताएं हमें थ्रू फेसबुक लाइव कि कौन अच्छा बोला सबसे ज्यादा. जी बताइए. मेरे अकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ. मेरा जो ओपिनियन है सबसे पहले आता है पैसा. पैसा क्यों आता है? अब यहाँ पे लोग कह देते हैं जो नए नए आशिक हैं नहीं जी मैं तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजार लूंगी तुम मुझे एक झोंपड़ी दे देना मैं अंदर रह लूंगी. बीबी ऐसा नहीं होता. पैसा मैटर करता है. आज नहीं एक महीना 6 महीने शादी में भी गुजर जाएंगे बाद में वो अपनी दोस्तों के साथ कंपेरिजन करेगी. मेरी फ्रेंड का बंदे ने उसे BMW ले दी और तुम मुझे वही 70 के पीछे बैठाते हो तो वहाँ आ गया पैसा. अब वो लड़की को पहले उसने अगर कहा होता कि पैसा मैटर करता है वो मेहनत करता पैसा कमाता बाद में उससे शादी करता उसे सहूलतें मिलती. पहले उसने कह दिया खैर है तुम छोड़ो तुम मुझसे शादी करो मैं खुश हूँ और जब टाइम आया तब उसे कंपैरिजन में डाल दिया एहसास कमतरी में वो लड़का चला गया था. मेरे अकॉर्डिंग पैसा मैटर करता है तब जाके रिश्ते अच्छे चलते हैं जब सारी चीजें साथ हों. एक चीज पे भी रिश्ता है. आपने कहा कि पैसा बड़ा है. चलिए आप बताइए. जैसे कि उन्होंने आपका टाइम फिल हो गया ना कैमरा वो है. जैसे कि उन्होंने बताया बिल्कुल मैं भी यही एग्री करूंगी कि पैसा मैटर करता है. आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी खुशियां भी जीत सकते हो.
क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मोहब्बत लोग खरीद सकते हैं? मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये टेम्परेरी अटैचमेंट होती है, बस अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है, लव नहीं होता। और कुछ लोग लव मैरिज कर लेते हैं, फिर एक साल बाद वो दूसरी, वही लव मैरिज होती है, एक साल बाद वो कहीं और उनकी लव चल रहे होते हैं, तो लव ये लव शब्द कुछ नहीं होता। नाइस, आपने पैसे का साथ दिया, पैसे का। और अब आ गई बारी सैम आपकी, कैमरा आपके सामने। हाँ, अगर मतलब कि आपको लव अपना सच्चा मिल भी जाता है, प्यार आपका आपको हासिल हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन आप एक मज़ेदार लाइफ के लिए, सक्सेस लाइफ के लिए आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका प्यार किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, ओह गॉड, सारे ही पैसे का साथ दे रहे हैं आज। देखिए ना, बड़ी काम की बात की थी कि वाकई डर ये होता है कि अकाउंट खाली ना हो जाए। पैसे के बिना क्या है यार। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे मार्केट जा रहा था और मैं गलती से अपना वॉलेट घर भूल गया। मुझे मालूम हुआ उस दिन कि मेरी औकात क्या है, आई मीन मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। ऑल द वे में आई केम बैक फ्रॉम DHA, ATM भी कार्ड भी घर पे थे, उसी वॉलेट में सब कुछ घर पे था, तब मुझे आइडिया हुआ कि वाकई पैसे की बहुत अहमियत, बहुत बहुत अहमियत। टाइम पे पता चलता है, आगे पीछे तो नहीं पता चलता। हाँ, टाइम आता है तो मालूम। रात को कभी आपने ऑर्डर किया और डिलीवरी वाला आए, हम 100 उसे एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन उस दिन आपके पास 100 नहीं है ना, तो वो आपका ऑर्डर नहीं देखे जाएगा। नहीं, ये तो रूल है लाइफ का, बिल्कुल सही। मेरे साथ हुआ है ना, फिर मैंने कहा भाई जायज कैश है, ट्रांसफर कर देता हूं। भाई वगैरह सो गए, मेरा वॉलेट मेरी गाड़ी में था। अब मेरे घर में गाड़ियों की जगह कम है, गाड़ियां ज्यादा हैं, तो वो लगी होती है, वो ड्राइवर ही निकालता है। अब मेरा वॉलेट मेरी गाड़ी में था, अब मुझे रात को भूख लगी, मैंने पिज्जा कर लिया ऑर्डर, अब वो आ गया, मैंने तब याद आया यार वॉलेट तो मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास पैसे कम थे, अब मैं कहा यार अमेरिका में इसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगली बार ले लूँ। मैं यार मैं आप मुझे जायज कैश का नंबर दो, मैं आपको ट्रांसफर कर दूँ। फिर मैंने ट्रांसफर किया, फिर मैंने ऑर्डर खाया, और उस टाइम मुझे पता चला कि हम जो 100 रुपीज टिप भी दे देते हैं, अगर ये वो भी पास ना हो, तो आपको पूछते हैं आपको लेटा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जनाब बहुत मजा आ रहा है कि यहाँ पर हमें विदा करना पड़ेगा हमारी बहुत ही प्यारी रायना को, बिकॉज़ उनके बहुत सारे शूट चल रहे होते हैं। बट थैंक यू रायना फॉर कमिंग ओवर, आपने हमें टाइम दिया आज, और वी मेट आफ्टर 2 years and a half, सो बड़ा अच्छा लगा। आती रहा करें और कीप कमिंग ऑन माय इवेंट्स आल्सो नाउ, जरूरी है। और कोई पैगाम देंगी अपने फैंस को, रायना के फैंस? कैमरा, क्या पैगाम दूं मैं इनको? ये स्माइल बहुत नेचुरल है आपकी, और प्यारी भी है। थैंक यू सो मच रायना, ऐसे मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, बस। ग्रेट, तो फिलहाल विदाई, आंसू आ रहे हैं आंखों में। लेकिन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमें एक ब्राइट न्यू टैलेंट लड़की ज्वाइन कर रही है आज, जिनके एम्स काफी हाई हैं और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं इस जालिम समाज भरी दुनिया शोबिज में। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और हम वापस आ गए, हमें ज्वाइन किया हुआ है सैम शेख ने और शाफे ने, और दोनों ने खूब रंग जमाया है शो का, बिकॉज दोनों ही शानदार टिकटॉक सेंसेशंस हैं। और फिलहाल बॉयज हमें ज्वाइन किया है एक ब्राइट यंग टैलेंट ने। आप लोग घर बैठे बहुत सारे ख्वाब बुनते हैं, हमने आपको नंबर दिया अपना व्हाट्सएप का, अगर आपकी ख्वाहिश है, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग या सिंगिंग, या आप में कोई हुनर है और आप आना चाहते हैं हम तक, हमारे इस मंच पे आपको वेलकम करेंगे। और ऐसा ही हुआ हमारी आज की मेहमान के साथ भी, इन्होंने ख्वाब बुना कुछ कर दिखाने का, और हमने इनके ख्वाब के लिए थोड़ी सी कोशिश करके कहा कि चलें हम आपको पहला ब्रेक देते हैं, आगे फिर किस्मत भी है और आपकी हार्डवर्क भी है। लेट्स इनवाइट फातिमा फजल, जो कि एक बहुत ही इंथुजियास्टिक लड़की है और आज पहली बार वह किसी मंच पे जगमगा रही हैं, तो लेट्स वेलकम और सी कि उनकी आंखों में कैसी चमक है आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुश हुआ। एक गाना था ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, लग रहा है आपको? और किस्मत देखो कि जिस दिन आप आई, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके सामने दो शानदार टिकटॉकर्स बैठे हैं, है ना? सो कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत मजे का लग रहा है, लग रहा है जैसे बताएंगे आजकल, जैसे लग रहा है ख्वाब, ऐसे लग रहा है। ख्वाब ही तो है ये रोशनी, ये चमक, ये सब कुछ। थोड़ा बताओ अपने बारे में फातिमा,
बचपन कैसा था और क्या ख्वाहिशात थी जब से आपने शोबिज का शौक कैसे हुआ आपको? मैं स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, वहाँ से फिर टीचर ने कहा कि आप कर सकती हो ये शोबिज वगैरह का शौक, आप पाल रहे हो तो मतलब कुछ करो, आप करके दिखा सकती हो, कुछ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैं एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या है। फिर मैंने आपको देखा कि व्हाट्सएप मैसेज आपने मतलब दे रहा है कि व्हाट्सएप में आपको मतलब कि जैसे बुलाएगा आपको जी लगा था। यही तो बात है हमारे शो की, हम देखो हम लोगों को लेकर आते हैं, कोई भी शो ऐसा नहीं है इस वक्त जो कि बिल्कुल न्यू कमर्स को लाता हो, मानते हैं ये बात आप लोग? और हम तो लाते हैं, हम कहते हैं कि देखो टैलेंट छुपना नहीं चाहिए। कल एक लड़का आया था जिसने 12 कच्चे अंडे मेरे सामने खाए हैं यहाँ पर, सोचे आपकी, और 12 कच्चे अंडे खाए उसने एक मिनट में, तो उसने रिकॉर्ड किया है, हमने वो चैलेंज पोस्ट कर दिया अभी टिकटॉक पे कि आप आके उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 12 कच्चे अंडे खाना एक आम बात है। सो किसको आप एनवी करती हो शोबिज में, कौन पसंद है आपको? मुझे महवेश्वर ज्यादा पसंद है। और मेल्स में कोई है फेवरेट एक्टर? नहीं। तो हाउ इज द रिस्पांस ऑफ द फैमिली, फैमिली क्या कह रही है? फैमिली में तो सिर्फ मेरी मम्मा ही है जो मुझे सपोर्ट करती है ना, यही काफी है। अगर माँ साथ हो सब अच्छा, सब कैसा रिश्ता है माँ के साथ? बहुत ज्यादा अच्छा, यानी कि कोई बात है मम्मा के साथ हर बात शेयर करते हैं, फ्रेंड है मम्मा नहीं मेरी फ्रेंड है, ऐसे रहते हैं। सही है। अच्छा बताओ कि जितने हमारे शो देखते हैं आपने अब तक, आपको हमारा फेवरेट गेस्ट कौन से लगे? वैसे बहुत सारे आई नो होंगे, कोई एक नाम? एक नाम को कम, सारे बहुत अच्छे लगे। सारे अच्छे हैं ना जी, जबरदस्त है। ड्रामे देखती हैं आप? कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? आजकल तो एक हॉरर ड्रामा चल रहा है छलावा, वो देख रहा हूं। हां हम पे जी। और कोई नहीं देखती इसके अलावा? नहीं और कोई इतना शौक नहीं। अच्छा ख्वाब कितनी उम्मीद है कि पूरे हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे जी। आप में ऐसी क्या खूबी है कि आपको लगता है कि आप आगे जा सकती हो? वो मतलब कि एक्टिंग वगैरह कोई के कोई सिचुएशन क्रिएट कर उस पे एक्ट कर सकती हूँ, मॉडलिंग वगैरह स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, डांस में भी किया था। आप से एक्टिंग भी करवानी पड़ेगी आज बॉयज है ना, करवा करते हैं कुछ देर के बाद, डोंट वरी। आप आई हैं इतनी एम के साथ, कोई आपको हम डायलॉग देंगे आपने बोल के दिखाना होगा। डन है आला। अच्छा मुझे बताएं टिकटॉकर्स के आजकल एक काम बड़ा हुआ है कि टिकटॉकर्स अर्न बहुत कर रहे हैं, पहला सवाल ये है कि वाकई सही है, और दूसरी ये सवाल कि बहुत सारा कहते हैं कि पेड कंटेंट मिल रहा है, वो तो खैर हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब ग्रुपिंग्स बहुत हो गई हैं, आपस में जेलसी फैक्टर्स, ये कौन पहले स्टार्ट करेगा? सैम बता देगा, क्योंकि सैम पहले आप बताइए। जेलसी फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हुए ये आवाज़? स्टार्टिंग डेज से ही देखा जाए तो मतलब जब आप टिकटॉक पे आते हैं ना तो ग्रुप बने हुए हैं, पहले एक ग्रुप थे फिर उनमें लड़ाई, दूसरे हो गए तीसरे हो गए, तो अर्निंग की बात टिकटॉक नहीं अर्न करवाता, नहीं करवा रहा टिकटॉक, नहीं करवाता। क्यों? आपकी जो फैन फॉलोइंग है, पब्लिक है, वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू जो आपके शॉट मिलते हैं, शॉट आउट देने होते हैं, उसके थ्रू आपको कहते हैं अर्न, गिफ्ट्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह जी बिल्कुल सही से, मतलब वैसे अर्निंग नहीं होती वैसे। लेकिन ये जेलसी फैक्टर को कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? हैंडल इग्नोर करके, इग्नोर करके, मैं तो स्टार्टिंग से इग्नोर करता हूं जो भी है। ठीक आप बताइए। मेरा आना जाना ही नहीं होता, मैं आप कहीं देखा मैं आपको कभी नहीं जाता, मैं ना इनके मीट एंड ग्रीट पे जाता हूँ, बुलाते हैं मैं कभी नहीं गया, ना इनके कोई सॉन्ग की ओपनिंग में, मेरी ये मेरी कंपनी नहीं है, मतलब मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा रिजर्व या कोई मुझे जो चीज़ पसंद हो मैं वहाँ जाता हूँ। और रही बात जेलसी की, वो बिल्कुल होगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ मेरा इनसे कोई मिलना ही नहीं होता। सैम है या सनी है, बस इनके अलावा मेरी और किसी से नहीं है, हारिस है वो भी अच्छे दोस्त हैं, तो बस उसके अलावा कुछ नहीं। और रही अर्निंग की बात, तो शूट मैं मतलब पहले भी करता था तो अब भी करता हूँ, वो तो एक अलग का आ गया, इसके अलावा कोई नहीं, मैं मतलब मैं शॉर्ट आउट नहीं देता पेड और कुछ भी नहीं, मतलब मैं नहीं करता, मैं बस अपना है कि शौक जो छोटा तो किया मतलब रखा। सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसे लाइव शो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और किसी ने पूछा है कि वेट गेन कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा मसला लोगों का है वैसे, है ना, कि वेट लॉस तो चलो हो जाता है, वो भी मुश्किल से होता है, गेन इजीली हो जाता है, नहीं लोग कहते हैं उल्टा है, कि कुछ लोग कहते हैं हमारा गेन ही नहीं होता, वो क्या सीन है? नहीं, बिल्कुल वेट गेन हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों में मिसकंसेप्शन क्या है कि हम सप्लीमेंटेशंस को हम समझते हैं कि वो स्टीरॉयड जो सप्लीमेंट्स होते हैं, हालांकि स्टीरॉयड इज एनीथिंग दैट यू इंजेक्ट इन योर बॉडी थ्रू इंजेक्शन, वो स्टीरॉयड होती है, कोई टीका आप बॉडी में लगाते हो वो स्टीरॉयड है,
सप्लीमेंटेशंस में अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, तो वही चीजें जो हम खाते हैं, चिकन हो गया, एग्स हो गया, इनको बना के लगाया होता है, और वो यूज करना चाहिए, और वो भी जब आपका कोच रिकमेंड करे। दूसरा, सबसे पहले अगर आपने वेट गेन करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 2-3 बनानास लें, 2 डेट्स डालें, 1 ग्लास आपका दूध का, ये आपका रोज का होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम एक टाइम में ज्यादा खा लेते हैं, मतलब अभी भूख लगी है, अभी ज्यादा खा लिया और अगले मील की बारी भूखे रह लिया। हाँ। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मील का ये है कि एक प्रॉपर टाइम हो उसमें आपने खाना है। और अगर आपने गेन करना है तो सबसे बेस्ट ये है कि आपका 200 ग्राम जो है वो बीफ होना चाहिए बॉयल, और उसके अलावा साथ आपने 180 ग्राम राइस होने चाहिए, जो कि ये बेस्ट रहता है। बाकी जो गेनिंग का प्रोसेस होता है वो आपके प्रॉपर बॉडी के वेट, एज और बाकी चीज़ों को देख के कैलकुलेट किया जाता है। और स्वीट पोटैटोज जैसे सर्दियों में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं गेनिंग के लिए, आप खा भी लेते हो। अंडे अगर एक नॉर्मल कोई लड़का स्टार्ट करता है, 3-4 अंडे, वाइट एग जिसे हम कहते हैं, विदाउट जर्दी, अंदर वाली जर्दी नहीं हो, तो ये बेस्ट है, इससे आपका वेट गेन हो जाता है। दूसरा फिर ये नहीं है कि आपको जैसे कुछ लोग सिगरेट्स या ये वो कुछ बाकी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। और आइए कुछ पहेलियाँ बजाय, तैयार है पहेलियाँ खेलिए? ठीक है, सो पहली हम बारी बारी रोटेट करेंगे, आप पहले पढ़िए पहली, पकड़ लें इसको, मत डरें, पढ़िएगा पहली और फिर जवाब दीजिएगा। वो क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती? आपको आता है? सोचो, वो क्या चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन हरकत नहीं करती? हाँ, सोच तो जाती है लेकिन सोच नहीं है उसका जवाब। आप? नहीं, आंखें तो रोटेट होती है ना यार, ये तो जाती है यहाँ से वहाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को? हरकत नहीं करती, जगह जी नहीं, रास्ता रास्ता या सड़क कह लें, चले ठीक है, डन हो गया, वेल डन। आगे पास कर दें, आगे पास कर दें, इधर इनको आ दें। अगली पहेली अब आ गई सैम के पास। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? हमें तो डरती हुई है सबको, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगी। वो क्या चीज है जब बारिश होती है तो वो ऊपर जाती है? ऊपर जाती है। डस्ट? डस्ट? इतना आप सोच के क्यों जवाब दे रहे हैं? ये क्या हो? नहीं आया आप? सोचो। नहीं आ रहा हम लोगों को। इसका जवाब था छतरी। दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। जब भी बारिश होती है तो ऊपर जाती है। और आगे चलते हैं, और आपके लिए सवाल। मैं उड़ सकता हूं लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूं लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, मैं जहां भी जाता हूं वहां अंधेरा अंधेरा छा जाता है, बताएं मैं क्या हूं? बताइए क्या हूं? क्या आप, है? आप, 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 आप। मैं उड़ सकता हूं लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो बादिल। सकता हूं। हां, बादल। दिखाइएगा। एक मैं पूछता हूं आप लोगों से, रैंडम तीनों से पूछता हूं। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है फातिमा लेकिन निकलना मुश्किल है? मुश्किल इसका जवाब था। ठीक है, वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन बाकी उससे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये चीज नाम। ये चीज लाइक लोग आ गए हमारे पास। और अब एक लास्ट है, आप मुझे पानी में देखते हो शाफे, लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता। उसने बताया अक्स। ठीक है, वेल डन गाइस, आप काफी लाइक लोग हैं आप सारे। और आइए जरा एक्टिंग करवाते हैं आप इनसे। ठीक है, कोई सीन दे या खुद ही कर लोगी? सीन क्रिएट करते हैं। सीन क्रिएट करते हैं। अल्लाह मियां माफ कर दो, क्रिएट तो नहीं होगा, दिया जाएगा, मुझे बताया जाएगा। देखें, आपको ये सीन देते हैं कि आपने, देखें आप जो है ना कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं लेकिन आपके जो घर वाले हैं वो कॉलेज नहीं जाने दे रहे आपको, तो आप उनको डायलॉग बता रही हैं कि मुझे जाने थे
क्या हो गया आप लोगों को, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है लोगी? ठीक है डैन, कैमरा वो है आपके सामने। प्लीज मामा मुझे जाने दे, मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, आप ऐसे करेंगे तो कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगी, प्लीज मामा प्लीज। ये मुझे अच्छी बात लगती है कि क्यूट है आप और आपके एम्स आएंगे, अभी छोटी हो आप इंशाल्लाह, यू विल सी। क्यों आप देखिए एक अच्छी बात नोट किया आपने, आई एम लविंग योर अटायर एक्चुअली, आपको पता है कि कैसे इन हुआ जाएगा, आपने अपने यू नो स्टाइल आपके अच्छे लगे हैं, यू वेरी डिसेंट, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट विद ऑल योर वर्क्स, ठीक है, छा जाओ ऐसे, डन हो गया। अच्छा अभी क्या प्लान है आपके आगे, क्या करना है मेरे 2021 में? मेरे माशाल्लाह बहुत से प्लान्स हैं, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी इस ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में लॉ कर रहा हूं, ठीक है, ओके नाइस। और इसके अलावा मैंने दलाल अच्छे हो गए वहां पर, नहीं आगे मैं ये मेरे फैमिली को शौक था, ये वैसे आपने किया है, उसके बाद अब उसके बाद मैंने पीपीएससी के पेपर्स देने, ओके, इसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि कुछ किया होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हालांकि मेरी ग्रेजुएशन हो गई लेकिन मेरी डिग्री 5 years की, तो वो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी, मैंने FBR में जाना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आगे बेहतर करे। उसके अलावा मैं अपना ये क्लोथिंग ब्रांड जो आपको मैंने बताया, हाँ ये क्या है, ये ब्रांड फेस्ट वेयर के नाम से है, फर्स्ट वेयर, फेस्ट वेयर। कैसे कपड़े हैं इसके अंदर? ये एक मेन है और एक फीमेल है, मेन वो है जो कि मॉडल्स वगैरह पहनती हैं या पार्टीज टाइप वेस्टर्न क्लॉथ्स, वो सारे हैं उसमें, और उसके अलावा मेल में जैसे कि ये अच्छी लग रही है मुझे, ये जैकेट और ये सब कुछ मेरा है, शूज मेरे, प्लीज शूज भी अच्छे लग रहे हैं, आई वांट टू वेयर दिस इन सम इवेंट और समथिंग लाइक दिस, का वो कोई मसला ही नहीं आपके, ये सर डन हो, रियली कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा, आई लाइक इट। लेकिन सही बात है कि ये मुझे बाकी कपड़े अच्छे लगे आप, थैंक यू, तो मैं कपड़े डेफिनेटली पहनूंगा, ये जरूरी लगे मुझे, वो मुझे खुद पसंद है, पर्सनली कहते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, सही बात है, डन हो। मैंने जो पहला ट्रैक सूट निकाला था वो था रिफ्लेक्टिव, मतलब आप जा रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट करता है, पीछे विंग्स बने हुए हैं, लाइटिंग वो कुछ यूनिक था, तो वहाँ से मेरे ब्रांड को बहुत हाइप मिली, तो बाकी वो मैं इधर ही मैन्युफैक्चरिंग उनके स्टार्ट कर, ठीक है। सैम आप कुछ बताओ, दिल से कोई प्यारी सी बात करो, आज आप कुछ खामोश लग रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, कोई दिल की बात, कोई प्लानिंग जो करना चाह रहे हो, लोगों को शेयर करना चाह रहे हो, बल्कि एक मौका देते हैं आपको, आपके इतने फैंस जो कमेंट्स करते हैं आपकी वॉल्स पे आके, कुछ कहिए दिल की बात उनसे। अच्छा दिल की बात में उनसे यही कहना चाहूँगा कि काइंडली आप ये ना मतलब से मुझे कहा करें कि मैं इग्नोर करता हूँ या मुझ में एटीट्यूड, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं होता, ऐसा ज़रा सा भी नहीं है, और आप जो मतलब के लड़ रहे होते हैं कमेंट, मैंने अक्सर कहता है कमेंट रीड किए हैं, बहुत बहुत पब्लिक लड़ती है मेरे साथ। अच्छा? बहुत ज़्यादा बैड कमेंट तो खैर कोई नहीं आता, आज तक नहीं मुझे आया, लेकिन जो लड़ते हैं नीचे आके कहते हैं उनके लिए सॉरी आपको रिप्लाई नहीं, मतलब के बिजी होता हूँ, टाइम नहीं मिलता, रिप्लाई सबको कैसे दे सकता हूँ। हाँ, अच्छा कि आपने मौका, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपका प्यार इतना ज्यादा है, पब्लिक इतना प्यार करती है, इतने लाइक इतने शेयर इतने कमेंट करती है, अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे देख के। हाँ, बिल्कुल ठीक, मजा आता है, दिल की बात आपने कर दी, अच्छा लगा। आप बताएं आपकी हॉबीज में है ये, मतलब देखना वीडियो टिकटॉक देखना है, तो कौन फेवरेट है आपको बताइए, 5 नाम बताओ हमें। एमन जमान, कौन कौन, दोबारा बोला ऐसा, एमन जमान, ये कौन है? अच्छा वो, ओह ठीक है, कराची। और नंबर टू मुश्ताक खान, उनके हस्बैंड, वो भी उनके हस्बैंड अब। और आजकल बहुत इन चल रहा है हैदराबादी, हाँ वो कब से इन जा रहा है, लेकिन आजकल ज्यादा अपनी वॉकिंग की वजह वॉकिंग स्टाइल से एकदम से ज्यादा वॉकिंग स्टाइल इन हो गया। चौथा जुल्कर नैन, नाइस। और पांचवा जन्नत मिश्रा, जन्नत तो यू नो जन्नत है। अच्छा कोई पैगाम दो, दो टाइम खत्म हो रहा है शो का, दिल की बात करो, आज आप आई हो, आपकी फैमिली देख रही होगी, फ्रेंड्स, कैमरा आपके सामने है, ये पल बार बार नहीं आते, तो इसको कैद कर लो मुट्ठी में सजा कर, तो दिल की बात कर दो फटाफट से। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा निकलना चाह रहा है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो प्लीज उसको सपोर्ट करें, उसको मतलब कि ये ना करें बुरे बुरे कमेंट ना उसके लिए करें, उसको सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो और कॉन्फिडेंस से आगे आ सके। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, अब बहुत अच्छी हो एंड रॉक ऑन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जनाब वक्त बता बाकी बह गया है, पैगाम लेते हैं बारी बारी, कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को, शाफे के भी बहुत सारे फैंस हैं। मेरा जो पैगाम है वो फैंस को, तो एक तरह की फैमिली होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत लेक्चर्स देते हैं। देखो अब मेरी बात भी गलत हो तो आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की है, मैं चाहता हूँ मेरे जो भाई, मतलब जो लौंडा बाज हमारा लड़कों का, लड़के सारे जी भाई भाई होते हैं, मेरी तो आदत है अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा मैं उसके उसके नाम से नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे भाई कह के बुलाऊंगा, ठीक है।
तो अब वो उस बात को यार ये नहीं कहो कि लेक्चर दे रहा है, मतलब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मेन चीज किस पे फोकस करना है। मतलब मैंने सीखा, लेकिन थोड़े टाइम बाद सीखा, तो मैं वही चाहता हूँ तुम लोगों को पता हो कि यहाँ किसी के ड्रामेबाजियों में नहीं आना। और बाकी जो कि मुझे भी कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देता, मैसेज नहीं करता, तो यार हर बंदे की अपनी एक रूटीन होती है, एक बिजी शेड्यूल होता है लाइफ का, तो उसमें भी होता है। अब हमारा ये नहीं कि हम वीडियोज ही बनाते हैं, हमने काम भी कर रहे होते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम नहीं होता। तो उसके लिए आप लोग गुस्सा नहीं किया करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाफ़ आने का शो में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलते हैं, वेल डन अल्लाह। और वो आया हमेशा की तरह और पता कर जाता जब भी आता है, तो कुछ कहेंगे आप अपने ढेरों ढेरों फैंस से? आपने जितना प्यार देते हैं ऐसे ही देते रहें, और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, आपका प्यार हमें ऐसे ही खुश रखेगा और हम आपके लिए खुश हैं। And happy birthday advance में आपको। Thank you so much। Thank you so much। जनाब ये था हमारा आज का शो, देखा आपने मल्टीपल गेस्ट आए और बहुत मजे की बातें हुई। जो करता है अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है, और हमारे तमाम सोशल हैंडल पे हम लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे, जस्ट फॉलो कीजिए हमें हर जगह पे और अपना प्यार देते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर, द नंबर जिस पे आप लोग हमें यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कल मिलेंगे, नया शो, नए गेस्ट होंगे, मैं लौट के कल आऊँगा, फिर इंतजार करना। अल्लाह हाफिज़।